नेक्स्ट वाउचर आई एम टेकिंग इट अप इज पेमेंट वाउचर. ओके, पेमेंट वाउचर की आपको यहाँ शॉर्टकट की क्या नजर आ रही है बताइए. F5. F4 is for contra and payment voucher के लिए you will see F5. So F5 press करूंगी मैं, F5. ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, payment voucher. First of all, please tell me, payment voucher, of course, कोई भी business जब payments करता है तो उसको properly record करना is very essential. And Tally.erp9 makes this payment transactions very easy. If you do so while using your payment voucher, so chahe wo cash payment hai ya bank payment hai, so Tally has got every feature to record the payments. Tally will help you in recording your check number automatically and serially. You can create a payment entry in single entry mode and double entry mode. So there are certain ways, like iske andar bhi jo aapne contra entry ki thi usme bhi aap na double entry mode mein kar sakte ho. Abhi hum kis mein kar rahe the, single entry mode mein kar rahe the. So you can also enter your entry in double entry mode. This I can tell you in payment voucher. Okay. So if I talk about like cash payment voucher, ki agar main baat karu, that there is a cash payment voucher. Okay. So isko aap kaise karoge? Like cash payment voucher mein, if I'm saying, I'm giving you an example of a company AB Limited. ABC Limited is paying telephone expenses of ₹1,570 on like for some date. I can change the date if you want, like F2 press karke aap date change kar sakte hain, like for example 2nd April aa raha automatically. Theek hai, to I will press enter. So now your date has become 2nd April 2020. Okay, so if you are paying telephone expenses, okay, 1570, to beta mujhe batao entry kya hogi if you are paying normal entry. Telephone expenses account debit to cash account would be your entry. Okay, to iske andar bhi फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, पेमेंट की जब मैं बात कर रही हूँ तो अकाउंट पे हमेशा क्या आता है, कैश ही आता है. ठीक है, जब आप पेमेंट कर रहे हो अकाउंट में ऑलवेज देयर कम्स कैश. सो व्हेन यू आर टेकिंग मेकिंग अ पेमेंट फॉर टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो अकाउंट में तो क्या आएगा, कैश. कितनी पेमेंट कर रहे हो आप, वन, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई कैन से 1600 पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पर तो क्या आएगा, यहाँ पर मैंने आपने एंट्री बताई टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंसेस आएगा, क्योंकि यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंसेस नहीं है. हमारे यहाँ क्या क्या आ रहा है, AK एंटरप्राइजेस, फर्नीचर, पेटीएम, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस क्रिएट करना पड़ेगा. तो नाउ यू विल सिंपली प्रेस ऑल्ट सी. तो देखो अब यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस करने पर कौन सी स्क्रीन खुल रही है, लेजर क्रिएशन सेकेंडरी, ग्रुप क्रिएशन सेकेंडरी नहीं. ग्रुप क्रिएशन सेकेंडरी तब खुलती थी वेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लेजर्स, एंड वो पर्टिकुलर लेजर पर्टिकुलर ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता था, तो मैं ऑल प्लस सी बनाती थी ताकि मेरा ग्रुप क्रिएशन सेकेंडरी स्क्रीन आ जाए और मैं बना लूँ. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर लेजर ही क्रिएट नहीं हो रखा, तो जब मैं ऑल प्लस सी दबाऊंगी तो क्या आ जाएगा, लेजर क्रिएशन सेकेंडरी. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी वन? सो वाइल मेकिंग लेजर्स, इफ पर्टिकुलर ग्रुप नॉट एग्जिस्ट, यू विल प्रेस ऑल प्लस सी, सो ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप लेजर, सॉरी सेकेंडरी ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन अपीयर्स. एंड वाइल मेकिंग वाउचर्स, इफ अ पर्टिकुलर लेजर डज नॉट अपीयर, देन द सेम शॉर्टकट की ऑल प्लस सी विल अप्लाई इन ऑर्डर टू बेसिकली क्रिएट योर लेजर क्रिएशन. ठीक है, तो सेकेंडरी क्रिएशन स्क्रीन वुड अपीयर. अब इसमें मुझे क्या बनाना है, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट. एंटर, बट टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट किसके अंडर बनेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर. यू विल सिंपली प्रेस एंटर. इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, यहाँ पर नो आ रहा है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट इन टैली यू कैन मेंटेन अकाउंट्स ओनली एंड यू कैन मेंटेन अकाउंट्स विद इन्वेंटरी. सो राइट नाउ आई एम मेंटेनिंग अकाउंट्स ओनली, देयर इज नो रोल ऑफ इन्वेंटरी इन माई अकाउंट्स. ठीक है, सो इन्वेंटरी वैल्यूज अफेक्टेड, यू विल से नो. तो देखो बेटा यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट आ गया, कितना पे कर रहे थे आप, 1600. तो यू विल सिंपली प्रेस एंटर, यहाँ पर नरेशन लिखोगे बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड. एंटर करोगे एंड देन एंटर. एनी डाउट टू एनीवन इन दिस? नो मैम. ओके मैम, अमाउंट कैसा आया टेलीफोन एक्सपेंसेस का? बेटा गिवन होगा आपको दैट यू आर पेइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस ₹1600 इन अ क्वेश्चन. हां, और आपने यहां पे कैसे डाला वो?
अमाउंट कैसे डाला? कुछ नहीं, एंटर करते करते अमाउंट डाल दिया 1600. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज लाइक ऑफ कोर्स यू नो द पेमेंट्स आर मेड थ्रू कैश और थ्रू बैंक. यस, सो इफ यू नो द बैंक पेमेंट्स आर इन मेनी काइंड्स, एनईएफटी होता है आपका, चेक के थ्रू होता है, देन आईएमपीएस ऑप्शन होता है, तुम सारे बैंक पेमेंट्स को कंसिडर करते हैं ऑफ कोर्स. तो चेक पेमेंट की बात करूँ, सो मेकिंग पेमेंट्स थ्रू चेक ये तो बहुत ट्रेडिशनल मेथड रहता था, ठीक है, बिकॉज बहुत टाइम कंज्यूमिंग था. और आजकल आपको पता है नाउ योर वर्ल्ड has becoming more updated and technology oriented, and today is the world of modern internet banking. Okay, so the check se payment karna now has become like outdated. Okay, so the process of check payments aap kaise karoge? Bahut saari cheez hoti thi pehle, aap properly check ka pay name likhte the, amount date honi chahiye, proper seal honi chahiye, authorized signatory honi chahiye, then you will enter the check amount in tally. Then you have to take the print out of that payment voucher. This is a very long process. But this voucher should be accompanied by the supporting document. Ye supporting document kya hota hai? Ki aapke supplier invoice kya hai, purchase invoice kya hai. Like if I'm saying ki you are purchasing something for your office expense, to aapko wo invoice dikhani padegi because you have purchased something. To getting the signature of signatory authority, it's better ki aap kya karoge, aapke ek supporting document lag jaye, jis se aapko clear idea ho jayega ki kaun sign karega. ठीक है, तो ये होना चाहिए. तो प्रिपेयरिंग अ पेमेंट एडवाइस, पेमेंट अगर आप इसमें करोगे, पेमेंट वाउचर का टैली में बनाओगे, सो इट ऑलरेडी कंसिस्टिंग ऑल द डिटेल्स. सो बाय फॉलोइंग दिस मेथड, अगर आप tally.ERM9 में रिकॉर्ड करोगे तो सप्लायर को साइड डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है, साइनिंग अथॉरिटी चेक भी करेगा और प्रॉपर स्टोरी पता लगेगी क्या पेमेंट वाउचर की है. ठीक है, तो इफ आई सीन आउट कि कोई कंपनी है आपको ना इशू कर रही है चेक, एंड इट हैज अ चेक नंबर ऑल्सो, and the bank is of Yes Bank, and when it is a issue a check to you for rupees like 2,50,000, okay, and the date is given to you, so you have to prepare a bank payment voucher in tally now. Okay, so when you have to see the bank payment voucher, to mujhe ek baat batao beta ki iske andar I have said you ki ABC Limited issue kar rahi hai check bearing a some number of Yes Bank, okay, and जो चेक पेमेंट हो रही है वो हो रही है 2,50,000 की टू सम अदर बैंक, वो मैं ले सकती हूँ एक्सिस बैंक. तो पहले तो मुझे बताओ आप अकाउंट में क्या खो गए, अकाउंट में बताओ अकाउंट में क्या आएगा आपका, जहां से आप इशू हो रहे चेक वो बैंक का अकाउंट का नेम आएगा या जहां पर आप दे रहे हो. अभी मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, आपको मैंने लास्ट इंटरव्यू में बताया था बेटा कि पेमेंट वाउचर में अकाउंट में हमेशा क्या आता है, कैश, जहां से आपका ऑफ कोर्स यू आर मेकिंग पेमेंट, ठीक है, तो यहां पर आउटफ्लो आता है हमेशा, ठीक है. तो यहां पर जो चेक इशू कर रहा है वो कौन इशू कर रहा है, वो कर रहा है सपोज इफ आई एम टेकिंग अ यस बैंक, यस बैंक इशू कर रहा है, तो वहां से चेक इशू हो रहा है, वहां से आ रहा है तो आउटफ्लो हो रहा है वहां से, तो वहां से अकाउंट में आप क्या दिखाओगे, यस बैंक. और कहां पर आ रहा है, किसको इशू कर रहे हो पेमेंट के लिए, सपोज आपने कुछ ट्रांजेक्शन की होगी और आप इशू कर रहे हो चेक टू एक्सिस बैंक, तो आप नीचे क्या दिखाओगे, एक्सिस बैंक. ओके, सो जस्ट होल्ड ऑन, आई एम टेलिंग यू यहां पर कैश नहीं आएगा, यहां पर आपका क्या आएगा, यस बैंक. तो क्योंकि यस बैंक नहीं बना हुआ तो आप क्या करोगे, ऑल्ट सी, ओके, एंड लेजर क्रिएशन क्रिएट करोगे. सो लेजर क्रिएशन यू विल क्रिएट यस बैंक, अंडर किसके अंदर होगा, बैंक अकाउंट, ठीक है. ये आपसे डिटेल्स मांग रहा है, सो लेट्स फॉरगेट इट अभी. तो यहां पर यस बैंक आ गया, अब किसको प्रोवाइड कर रहे हो आप, यू आर प्रोवाइडिंग चेक टू Yes Bank is issuing check of rupees like 2,45,000 to another bank. So, दूसरा बैंक हम ले लेते हैं, like Axis Bank. So, Axis Bank is also not available. Again, you will press Alt C और Axis Bank बना लेंगे. Is it getting clear or not?